नवलके जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रा कपड़े मेरे साथ पहले, ठीक है? ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाही मिन शैतान मिर्राजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम पहले पांच पारों के नाम याद करेंगे, ठीक है? फर्स्ट पारा अलिफ लाम मीम। Second. Sayakulu. Third. Tilkar Rusulu. Fourth. Lantanalu. Five. Valmuhsanatu. अब हम मज़े की पोएम करेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ आप लोगों ने करनी है। अलिफ अनार बड़ा मज़ेदार। अलिफ मदाम क्या है इसके दाम। बेबा बंदर चलो भागो अंदर। पेपा पत्ता हरा हरा पत्ता तेता तितली उड़ जाए तितली टेटा टोपी सर की है टोपी सेसा समर हाय मेरी कमर जीम जा जूता प्यारा प्यारा जूता चेचा चिड़िया उड़ जाए चिड़िया हे हा हलवाई खानी है मिठाई खे खा खरगोश मैं हो गया बेहोश। अब मज़े की पोएम के बाद हम उर्दू की रीडिंग का काम करेंगे, ठीक है? ये वाली बुक ओपन करें, पेज नंबर 11, उर्दू का पहला कायदा, पेज नंबर 11, इसकी हम रीडिंग करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे ये के बारे में, छोटी ये और बड़ी ये, इसकी रीडिंग करेंगे हम, ठीक है? ये क्या नाट किया होगा? सबसे पहले आप अपनी बुक पे देखें, ये कौन सी ये है? छोटी। ये दोनों छोटी है और ये बड़ी है, और ये की छोटी अशकाल है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी लफ्ज को अलग किसी के साथ मिला के लिखना हो तो उसकी छोटी शक्ल लिखेंगे, और अगर ऐसे ही लिखना होगा तो फिर वो पूरा पूरा राइट करेंगे। ये क्या है ये, और इसके साथ अगर हम अलिफ मिलाएंगे, ये है और ये अलिफ है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला के राइट करना हो तो हम ये कैसे राइट करेंगे? ये की छोटी शक्ल है और साथ अलिफ, फिर इन दोनों को मिला के ऐसे लिखेंगे, ये अलिफ या, अगर इनको मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये अलिफ या ये की छोटी शक्ल और अलिफ है, ये अलिफ या। मैंने आपको बताया था अलिफ मद्दा का साउंड क्या होता है, जब अलिफ मद्दा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अलिफ मद्दा आ के साथ अगर हम किसी और लफ्ज़ को मिला दें, जैसे ये अलिफ जा इसको मिला दें तो एक पूरा लफ्ज़ बन जाएगा, ये अलिफ जा आया, अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा आ, ये अलिफ जा आया, अलिफ मद्दा आ, अलिफ मद्दा आ, ये अलिफ जा आया। ये बताएं जरा, ये किसकी छोटी शक्ल है? पे की। किसकी छोटी शक्ल है? पे की छोटी शक्ल के साथ हम अलिफ मिला दें तो क्या बनता है? पा। और पे अलिफ पा के साथ हम अगर ये मिलाएं, ये किसकी छोटी शक्ल है? ये के साथ अलिफ मिला दें तो क्या बना है? ये अलिफ या, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, ये अलिफ जा पाया। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पाया। पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, ये अलिफ जा पाया। ये अलिफ या पाया। ये ऊपर वाली पूरी लाइन हमने की है, ठीक है? यहाँ तक इसको आपने याद करना है।